हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में हमें क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या दिया हुआ है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग कि एक दूसरे से मैच करेंगे हम। कैसे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और क्या क्या होता है उसके अंदर कंडीशन, दो राइट एंगल्स होते हैं और टोटल है हमारे पास उसका हाफ होता है। अब देखते हैं जो फर्स्ट है वो हमारा किसके इक्वल, किस से मैच करेगा, सी से, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक राउंड का हाफ होता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। राउंड क्या है, जैसे ये आपके पास क्या है, एक राउंड, इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, एक सीधी लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 का हो गया और ये क्या है, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन है उसका क्या है, हाफ। तो इसको हम फर्स्ट को किससे मैच करेंगे, सी से। सेकेंड है राइट एंगल। अब राइट एंगल की कंडीशन क्या, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन हमारे पास ऐसे होता है, रिवॉल्यूशन हमारे पास इसमें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब राइट एंगल ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या बोल देंगे, जो टोटल है उसका कितना है, 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, सभी क्या है, 1/4 ऑफ ए टोटल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, पूरा का पूरा आपको जो भी दिया हुआ है सर्कल वो, और उसका हाफ अगर हम 1/4 कर देंगे तो हमारे पास 1/4 का मीनिंग क्या, 1/4 की टोटल 4 पार्ट्स में से कोई एक, 4 पार्ट्स है हमारे पास, 4 में से एक ले लिया हमने कोई भी। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है हमारे पास ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है, ये तो हमारे पास एक ऑप्शन हो गया। दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के 1/4 है, जो एक रिवॉल्यूशन हमारे पास ये है, इसका 1/4 क्या हो गया, 90 डिग्री, लेस देन और उससे क्या आ गया, कम। तो 90 डिग्री से कम, इसका मीनिंग भी तो यही आया हमारे पास है। एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम दी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ड्यूज एंगल। ऑब्ड्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, एक ऐसा एंगल जिसकी कम से कम, कोई भी ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल, 3 में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ड्यूज एंगल। क्या है, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक ये हमारे पास रिवॉल्यूशन दे रखा है, इसका 1/2 कर देंगे ये आ जाएगा 1/2, और अगर इसका हमें 1/4 करना है तो इसका टोटल हमारे पास ये हो जाता है और इसका 1/4 ये आ गया। तो 1/2 तो कितना हो गया, 180 हो गया आपके पास। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन का हाफ कर दिया हमने तो क्या लिख दिया, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, तो हाफ हो गया तो क्या लिख देंगे, 1/2। और जब इसका हम फोर्थ पार्ट लेंगे, 90 डिग्री होता है तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ये क्या हो गया, टोटल का 1/4, इसको हम क्या लिखेंगे, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का 1/4 और 1/2 के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर हमें ये नहीं दे रखा तो सिंपली हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, बीच की मेजरमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है, 1/complete रिवॉल्यूशन। अगर हमें पूछ लिया कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स मीन्स उल्टा, कोई भी हमें दे रखा उसका, उसके अलावा मान लिया हमारे पास ये दे रखा है, ये एंगल बनाया आपका यहाँ, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इधर जो हमारे पास ये आएगा ये इसका क्या आएगा, रिफ्लेक्स 1/complete रिवॉल्यूशन। इसको छोड़ के जो कम्प्लीट रिवॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रिफ्लेक्स। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स को 1/complete रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ड्यूज एंड रिफ्लेक्स। आपको फिगर दी हुई है, फिगर से हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ऑब्ड्यूज है या रिफ्लेक्स एंगल है।
देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, अब देखो ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये कितने डिग्री का है, अगर 90 डिग्री का होगा तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी, ऐसे बनता है 90 डिग्री का? 90 डिग्री का कैसे बनता है, ऐसे सीधी लाइन, ठीक है, ये लाइन भी सीधी और ये भी सीधी, लेकिन ये तो दोनों सीधी नहीं है, अगर ये लाइन है तो सीधी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ये 90 डिग्री से कम है, या फिर हम क्या करेंगे, आपके पास कंपास होगा, कंपास लेके उससे देख लेते हैं, या फिर आपके पास डी है, डी से हम मेजरमेंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ एंगल है क्या वो 90 डिग्री है, 90 से कम है, ये हमारे पास डी है, यहाँ पर जब हम इसकी मेजरमेंट के लिए रखेंगे तो ये कितना आया, ऐसे रखेंगे मेजरमेंट, ये 90 का होगा तो सीधा आएगा, बट ये यहाँ है, यहाँ पे है, तो कितने डिग्री का है, 60 का, और 60 का जब एंगल दिया होता है तो कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिगर दी हुई, इसमें एंगल देखते हैं हम, देखो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और एंगल कितने डिग्री का बनता है, 120 का, 130 का, सॉरी कितने का बना, 130 का, क्योंकि ये लाइन है जो इसी के नीचे दी हुई है हमारे पास लाइन, तो कितने का बनेगा, 130 का, और जब हमारे पास एंगल 90 और 180 के बीच में बनता है तो एंगल कैसा बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको ये दे रखा है, इसके ऊपर जब हम ऐसे रखते हैं, ऐसे करके मैंने रखा तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सीधा है, यहाँ से लाइन है ना बिल्कुल सीधी, कितने डिग्री पे आ गई, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आ गई, तो क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये आपको एक एंगल दे रखा है, और इस एंगल का, इस एंगल को छोड़ के जो अदर पार्ट है उसको हमने कर लिया कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, कि जो हमें एंगल दिया हुआ है उसको छोड़कर उसके अलावा उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक सीधी लाइन, ये तो हमारे पास 90 90, अब इधर दे रखा है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा, एक सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का बनता है, कभी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जब हम एंगल बनाते हैं वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी अगर किसी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बन गया तो क्या हो गया, वो एक स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें देखते हैं ये क्या है हमारे पास, पहले इसको देखते हैं ये कितने डिग्री का है, अब देखो यहाँ पे हमने रखा ऐसे एज इट इज़ रखा, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का आया, इधर आया, ये आया आपके पास 40 और 50 के बीच में, 45 आया, ये एक्यूट एंगल है। इसी तरह से इधर से जब हम देखते हैं तो इधर भी ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम ऐसे रखेंगे कंपास को, इसके पास यहाँ पे कितने डिग्री का आया, ये हमारे पास कितने का है, 50 का है, क्योंकि ये तो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, 50 का, और अगर 50 का है तो ये भी कैसा है, एक्यूट एंगल, और दोनों एक्यूट एंगल हैं तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्यूट एंगल। तीसरा हम इसको भी देख सकते हैं, ये जो हमारे पास मेजरमेंट दी होती है इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, देखो अगर 90 का होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 90, और ये हमेशा हमारे पास क्या है, 90 से कम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल। बाकी आपको जो फिगर है, फिगर में यहाँ पर एंगल दिए हुए, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों एंगल्स को देखेंगे, यहाँ पे जो भी एंगल है उसको हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इन दो एंगल्स को चेक करेंगे, और इन दोनों एंगल्स में हमें क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। ओके, थैंक यू।